हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ पहाड़ी चिकन की रेसिपी। और मेरी ये रेसिपी देखने के बाद प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पहाड़ी चिकन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज मैं पहाड़ी चिकन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये चिकन की जो रेसिपी है वो रेसिपी है मेरी मम्मी की, और उन्होंने ही मुझे ये रेसिपी दी है। तो मैंने उसी तरीके से कोशिश की है कि मैं भी उतना ही टेस्टी बना सकूँ जितना टेस्टी वो बनाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है चिकन लेग्स, 500 ग्राम के बराबर हैं ये। इसमें चार पीसेस हैं और मैंने इन चार पीसेस के दो दो पीसेस कर लिए हैं और मैंने इनको यहाँ पर रख लिया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर लिए हैं मैंने तीन प्याज जिन्हें मैंने फाइन चॉप किया है, और यहाँ पर लिया है मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसके साथ दो हरी मिर्च। और यहाँ पर जिंजर गार्लिक हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे। और इसके बाद मैंने लिया है घर का बना हुआ दही, ये एक कटोरी से थोड़ा कम है। और उसके बाद मैंने लिया है एक टमाटर जिसका मैंने प्यूरी बनाया है, और साथ में लिया है चंद्रमुखी आलू। तो ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है क्योंकि चंद्रमुखी आलू का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। अब आप सोच रहे होंगे चिकन में आलू क्यों, लेकिन चंद्रमुखी आलू जो होता है ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है चिकन में और बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ऐड किए हैं, होल स्पाइसेस जिन्हें मैंने रोस्ट करके रखा है, वो है कोरिएंडर सीड्स 1 स्पून, क्यूमिन सीड्स 1 स्पून, एक छोटा सिनेमन स्टिक दिया है, हाफ मेस यानी जावित्री दिया है, और 5 मैंने लाल सूखी मिर्च दी हैं। तो मैंने इनको रोस्ट करके रखा है और अब मैं इनका एक पाउडर बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसे मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर मसाला बन चुका है, आगे का प्रोसेस करते हैं, चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर दही ऐड कर दिया चिकन में। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर पाउडर, जिंजर गार्लिक का पाउडर, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तरीके से हो गया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 2 पिंच के बराबर मैंने कसूरी मेथी ऐड किया है। कसूरी मेथी आप जब भी चिकन बनाएंगे ज़रूर ऐड कीजिए क्योंकि इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड किया है कोहिनूर का बटर चिकन मसाला, क्योंकि इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने इसलिए ये ऐड किया है। तो मम्मी के रेसिपी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ चीज़ें
इसमें अपनी तरफ से भी की हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी मैरिनेटेड चिकन और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो थोड़ा ओपन करके मैंने पकाया और अब मैं इसे कवर कर दूँगी एटलीस्ट 5 मिनट के लिए। तो इसमें अच्छा सा एक बॉईल आ जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा इसमें बॉईल आ चुका है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्राइड आलू। तो इनको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। और यहाँ पर मैं इसे कवर कर दूंगी और उसके बाद अब हम सिर्फ वेट करेंगे 2 सीटी लगने का। और इसके बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर इसका कलर आया है, कितना सुंदर इसका टेक्सचर आया है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ पर मैं इसे गार्निश कर दूंगी हरे धनिया से। तो देखिए मैंने गार्निश कर दिया है और अब इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है इसको। और मैंने इसे खाया था गरम गरम राइस के साथ, बहुत टेस्टी हुआ है। बट हाँ, जैसा मम्मी बनाती हैं वैसा तो मैं नहीं बना पाई, बट हाँ लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है, बहुत अच्छा बहुत स्वादिष्ट हुआ है। तो आप भी अपने घर में इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये पहाड़ी चिकन की रेसिपी कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।